यहाँ का व्यू देख सकते हो, अभी बारिश वारिश गिरा है पूरा। तो चलो अंदर से दिखाता हूँ कि क्या क्या मशीन का क्या क्या काम होता है। तो गाइज ये है हमारा SP1 प्लांट और ये है हमारा SP2। ये जो दिख रहा है आपको ये स्क्रीन है, 1, 2, 3, 4, 5 स्क्रीन। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू एपिसोड। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, NMDC कंपनी के अंदर क्या क्या मशीनें हैं और किस मशीने से क्या काम होता है NMDC कंपनी के अंदर। तो चलो वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाता हूँ कि NMDC कंपनी के अंदर क्या काम होता है। वैसे तो NMDC कंपनी बहुत ही बड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, किरंदुल बचेली में फैला हुआ है, हांसी तक फैला हुआ है। तो पूरे प्लांट को तो मैं एक ब्लॉग में कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। तो चलो मैं आपको NMDC कंपनी के अंदर एक स्क्रीनिंग प्लांट तो उसको दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से स्क्रीनिंग प्लांट के लिए आपको अंदर एंट्री करना पड़ेगा। ये जो है पूरा स्क्रीनिंग प्लांट है और बाकी लोडिंग प्लांट अलग है, बाकी बहुत सारा माइनिंग में भी है प्लांट। तो आपको इस एपिसोड में स्क्रीनिंग प्लांट दिखाता हूँ कि स्क्रीनिंग प्लांट में क्या क्या काम होता है। गाइस ये है पूरा कन्वेयर बेल्ट, ये जितना भी दिख रहा है ये पूरा कन्वेयर बेल्ट है। इसके थ्रू जो अपना आयरन और मटेरियल है वो इधर से उधर लेके जाया जाता है। तो ये जो ऊपर दिख रहे हो ये है SP1 प्लांट और ये जो राइट साइड देखोगे मेरे वो है SP2 प्लांट। तो चलो आपको आगे से दिखाता हूँ कि SP1 और SP2 में क्या होता है स्क्रीनिंग प्लांट में। तो गाइस ये है अपना NMDC जो SP2। तो चलो आपको ऊपर लेके जाता हूँ सेकंड फ्लोर में, वहाँ पे क्या है वो भी दिखलाता हूँ। ये देख सकते हो ये पूरा मटेरियल है, ये मटेरियल ऊपर से बड़ा वाला अलग होके नीचे छोटा वाला आता है ये वाला स्क्रीन में। ये पूरा स्क्रीन प्लांट है NMDC का, ये देखो इतना बड़ा प्लांट है। तो इसके ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं, वहाँ पे भी एक स्क्रीन है, ऐसे ही 4 स्क्रीन है लेकिन उसका जाली जो क्या है बड़ा है, जिसमें से बड़ा बड़ा जो मटेरियल है वो अलग हो जाता है और छोटा छोटा नीचे वाले स्क्रीन में आके गिरता है।
ये देख सकते हो जो बड़ा मटेरियल का जो पत्थर है वो इधर से निकल जाता है आगे की तरफ, और बाकी जो छनके नीचे जो छोटा स्क्रीन है उसमें चले जाता है। ये देख सकते हो अभी तो चालू नहीं है, आपको साइड में दिखा दूंगा किस तरीके से काम करता है। ये जो है बड़ा स्क्रीन है, और भी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है, पहाड़ से बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से। तो चलो ऊपर चलते हैं। तो गाइज देख सकते हो ये जो बेल्ट दिख रहा है आपको, एक दो ऐसे ही चार ठो पांच ठो बेल्ट है यहाँ पे, इसी के थ्रू अंदर से मटेरियल आता है, जो अपना आयरन है वो मटेरियल आता है, और यहाँ से ये बेल्ट के थ्रू इसके अंदर गिर के ये जो बड़ा स्क्रीन दिख रहा है उसका साइज MM के हिसाब से रहता है। वो बड़ा स्क्रीन में छन करके वो अलग चले जाता है, बड़ा वाला मटेरियल अलग चला जाता है, और जो छोटा मटेरियल रहता है जो आपको नीचे दिखा है स्क्रीन, वो छोटा मटेरियल उसमें स्क्रीन वो छन के पूरा अलग हो जाता है, फिर वो भी अलग चला जाता है। मतलब MM के हिसाब से यहाँ पे मटेरियल अलग निकाला जाता है, जो कच्चा लोहा है हमारा अलग निकाला जाता है। यहाँ तो देख सकते हो, ये देखो वो दिख रहा होगा स्क्रीन, नीचे से बाकी दिखाता हूँ गाइस। तो ये बेल्ट है, इस बेल्ट के द्वारा जो अपना मटेरियल है कच्चा लोहा वो यहाँ से नीचे जाता है, फिर यहाँ से नीचे ये जरूर, ये देखो ये जो दिख रहा है ये है आपका स्क्रीन, जो ये है स्क्रीन है एक दो और तीन, ये ऐसा स्क्रीन है। इसमें क्या है, बड़ा बड़ा जो मटेरियल आता है वो अलग हो जाता है यहाँ से, और फिर यही जाली के अंदर से क्रॉस होकर जो छोटा मटेरियल रहता है वो नीचे वाले जाली पे चला जाता है, तब जाके ये अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो ये इस टाइप का स्क्रीन है, फिर यहाँ से डिवाइड होकर पूरा जो मटेरियल है लोडिंग प्लांट में जाता है, लोडिंग प्लांट के थ्रू फिर अलग अलग जगह जाता है, फिर उसको गला करके मटेरियल बनाते हैं जो भी। अब मुझे जितना नॉलेज था उसको इस वीडियो में कवर कर लिया, बाकी चलो नीचे से और दिखाते हैं। जो अपना कच्चा लोहा का मटेरियल है वो आगे लोडिंग की तरफ जाता है, फिर वहाँ से ट्रक के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा अलग अलग जगह भेजा जाता है पूरा मेल्ट करके उसको बनाने के लिए। यहाँ पानी वानी का भी फ्रिज व्रिज लगा हुआ है, पूरा सुविधा है। और वो जो देख रहे हैं
वो है अपना SP1, वो जो देख रहे हैं वो है अपना SP1 और ये है अपना SP2 प्लांट, मतलब दोनों में स्क्रीनिंग होता है। वो जो लाइन देख रहे हैं उसके थ्रू यहाँ पे मटेरियल आता है, जो वहाँ पे डंप होता है, दिखा पाऊँगा कि नहीं, अपना डंप होता है और उसके थ्रू जो वो लाइन दिख रहा है उसके थ्रू यहाँ पे मटेरियल डंप होता है, ऊपर से कच्चा लो आता है, फिर यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, छन करके नीचे आता है, फिर लोडिंग में जाता है। और ये है SP2 प्लांट, यहाँ भी यही सेम प्रोसेस है। यहाँ का व्यू देख सकते हो, अभी बारिश वारिश गिरा है, पूरा ठंडा मौसम हो गया है, हरियाली हरियाली है यहाँ पर।